Now I would like to call University of Sahiwal. Due to some technical issue, we couldn't play their documentary, so we will play the documentary with their skit. Please come on the stage, University of Sahiwal. Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Maida. I'm from University of Sahiwal. Due to Mental Health Day, University of Sahiwal presents skit on multiple factors such as affair between university students, court marriages, problem in marital life, working as prostitute for basic need, revenge and HIV needs. यूं रूबरू पढ़ने वालों के फासले जब कम होते गए पहले दोस्त और फिर महबूब होते गए रिश्ते यूं ही दिन और रात तब्दील होते सरेआम होते गए फिर दिलों के फासले कम होते फिर महबूब से नए ताल्लुक में बदलने पर फैसले अटल हो गए सुना है मोहब्बत अंधी है किसी की गुर्बत किसी की अमीरगी को निगल जाती है न चाहते हुए भी हकीकत को झुटला जाती है क्योंकि मोहब्बत अंधी है पामाल कर देती है रिश्तों का तकद्दुस ये मोहब्बत बड़ी जालिम है सारी उम्र पालने वालों को दुश्मन समझती है मोहब्बत बड़ी जालिम है पार कर जाती है दहलीज और इज्जतों को नेलाम कर जाती है क्योंकि मोहब्बत बड़ी जालिम है रोती आंखों को दुश्मन प्यार करने वालों को फिरौन जब जाती है औरत पार कर जाती है दहलीज बाबुल की उम्मीदों को पैरों तले रोन जाती है औरत क्योंकि मोहब्बत बड़ी जालिम है कहता है बाबुल मत पार कर ये दहलीज वरना छीन लेंगे हम तुमसे शाने बेनियाजी तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे घूंघट उठा के जो देखा एक चांद का टुकड़ा शबाब पर था चेहरों पर मुस्कुराहट दिल में मलाल था क्योंकि प्यारे हैं रंजीदा दिल में ये ख्याल था नहीं जानते थे खुदा के फैसलों को मोम की सीढ़ी पे चढ़ के छू रहे थे आफ्ताब फूल से चेहरों को ये कोशिश महंगी पड़ी दहलीज पार करने वाली ने देखा जब आशियाना मर्द का सुलग कर रह गया दीवाना दिल उसका गुर्बत और लाचारी ने पड़ाव कर लिया था कहीं आशियाने पे अब रूठना मनाना मामूल हो गया था घराने में लड़ना झगड़ना झगड़ कर हार जाना कहानी सा बन गया था रेजा रेजा हो गया था हर ख्वाब शीशे की तरह इस वफा के खेल में कांटों से भर गया दामन कहीं आंसू कहीं दिल का टूटना कहीं तिल मिला जाना आम सा हो गया था जर की कमी ने बदल दिया था नवाब की बेटी को जैसे परी चेहरा अब आम सा लगने लगा था पछतावों के सिवा कुछ न था सोचों में था बाबुल का चेहरा अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां ही चुग गई खेत फिर भर गई गोद एक चांद के टुकड़े से महसूस हुआ खुशियों ने कदम रखा आशियाने में जैसे यकीन होने लगा बाद में नहीं थी ये खुशियाँ थी ये गलत फहमियाँ जूं जूं वक्त पर वास करता गया बढ़ती गई तिफल की ज़रूरतें थी जो जर की कमी आशियाने में कहाँ से आती फिर आसाइशें हमको इन सस्ती खुशियों का ओब न दो हमने सोच समझ के गम अपनाया है ज़मीर बेच कर की एक माँ ने ख्वाहिशात की कमी कहीं मेरा लाल ज़माने की नज़र न हो जाए इन छोटी छोटी खुशियों के जेरे साए पलने लगा जो लाल एक दिन जान गया वो सारा हाल कहा जो मर्द ने मैंने कब तुमसे वफाओं का सिला मांगा था तूने एहसास की अज़मत को तो समझा होता ज़माना कुछ भी कहे उसका एहतराम न कर जिसे ज़मीर न माने ऐसे काम न कर शराब पीकर बहकना ही है तो ना पी हलाल को इस तरह हराम न कर मोहब्बत है मुझे तुझसे मुझे इस तरह न मार
किसी ने जज्बे ने ठाट मारा था कहीं अंदर से, नहीं है चीज औरत इज्जत की कर पूरा बदला इससे जमाने का, कि काबिल है वो इसके नहीं जानता था वो लाल क्यों किया माँ ने हाल, बस औरत का बदला लेते रहा वो औरत से अंदर के अलाव को भजाता रहा वो लाल, मगर जब जान गया वो सब तब नहीं पड़ता था उसको फर्क, एक मूजी मर्ज ने आ लिया था उसको हसार में फांस लिया था उसको जाल में, रोता था अपनी नदानियों पर कुताहियों पर क्या चिराग बुझा लिया था उसने अपने ही हाथ से, नजर हो गई कई हवा की बेटियां इस हवस पे, उजड़ गई कई जिंदगियां एक फैसले पे, दौलत ने कर दिया औरत को बागी नस्ल चल पड़ी राहे तबाही, एक शख्स की जहनी बीमारी में औरत की हो गई तबाही हो गई तबाही हो गई तबाही, मैं मर रहा हूँ अले आगोश में मुझको, एक बार फिर सुना दे लोरी फिर आगोश में मुझको, हिचकी की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजती है। नजाब की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, नजाब की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, सारी जिंदगी का खुलासा इसी आवाज़ में है। थैंक यू। थैंक यू सो मच यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल।